स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज से हम जो देखेंगे स्पेशल फॉर बिहार SSC और SSC GD के लिए जो मैथ और रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू देखने को मिल सकते हैं, वैसे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। सुपर सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अगर आपकी चाहत होगी इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन जरूर कीजिएगा। शाम 7:30 बजे हमारे साथ GK और GS वाली क्लास में लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक साधारण सा प्रश्न मैंने लिया है जो कि लॉजिक इसका ये कह रहा है कि 1, 2, 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक और 3, 4, 5 का अर्थ है डॉग इज रनिंग और नेक्स्ट जो दिया है 3, 5, 6 का अर्थ दिया है इज रनिंग गुड और 7, 2, 8 का अर्थ दिया हुआ है ब्लैक पेट काउ। नेक्स्ट जो दिया है 6, 3, 7 का अर्थ काउ इज गुड दिया हुआ है। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन पे हम बनाने का कोशिश करते हैं ताकि आपसे इज का पूछे, ब्लैक का पूछे, गुड का पूछे, काउ का पूछे या फिर ब्लैक का पूछे चाहे इज का पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहला जो बात है इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला चीज कॉमन टर्म क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपका इज है, सेकेंड वाले टर्म में भी इज है और थर्ड वाले टर्म में इज है और लास्ट वाले टर्म में आपका इज है। तो वैसा कौन सा डिजिट है जो सिर्फ और सिर्फ चौथे स्टेप में नहीं है, बात बाकी पहले में, दूसरे में, तीसरे में और पांचवे में आपका उपस्थित है। तो चेक करते हैं एक को, तो क्या इसमें एक है, तो एक तो कदापि नहीं हो सकता है। बात करें दो का, तो दो इसमें नहीं है, दो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें इज है और इसमें भी इज है, तो हमको डिजिट भी कॉमन चाहिए। तो यहां से देख सकते हैं कि यहां पर 3 है और यहां पे क्या बच गया, 3। हमने डायरेक्ट 3 को सर्कल कैसे कर दिया क्योंकि 1 इसमें नहीं था और 2 इसमें नहीं था, जबकि इज और इज दोनों में क्या था, कॉमन था। तो यहां से 3 ले लिए और लास्ट में देख लिए यहां पर भी 3 है और उसके आगे बढ़ते तो यहां पे, यानी अगर आपको इज के लिए बोल देगा कि इज के लिए क्या हो गया, तो इज के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहां पे इट है तो क्या सारे में से कहीं पे आपको इट का प्रयोग मिलेगा, कहीं पे नहीं है। आगे बात करते हैं ब्लैक का, तो देख लीजिए यहां पर आपका ब्लैक मिलेगा, इसमें ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है और ब्लैक इसमें है, यानी वैसा कौन सा डिजिट है जो आपको फर्स्ट वाले में और 4 वाले में कॉमन है। यहां पे देखिए 2 है और यहां पे 2 है, एक चाहिए एक इसमें नहीं है, 8 चाहिए तो 8 इसमें नहीं है, यानी कंफर्म तौर पे कह सकते हैं कि 2 किसके लिए हो जाएगा, तो ब्लैक के लिए हो जाएगा। मेरे भाई ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा, तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बच गया, इट बच गया, तो यानी कह सकते हैं कि इट के लिए क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास 1 निकल के लिए आ जाएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं डॉग का, तो डॉग यहां पे ध्यान दीजिएगा ये गुड है और डॉग है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही फंसा सकता है। अगर हम बात कर दें यहां से रनिंग का, तो यहां पे रनिंग है मेरा और यहां पे रनिंग है मेरा, अलग अलग सिंबल दे रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए अगले केस में। ठीक, रनिंग और रनिंग दोनों में कॉमन है, बात बाकी अब किसी में रनिंग नहीं बचा, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो देख सकते हैं कि 5 और 5 आपका कॉमन है, यानी कह सकते हैं कि मेरे भाई जो रनिंग होगा, रनिंग के लिए कोड क्या किया गया है, तो रनिंग के लिए कोड किया गया है 5 को। क्लियर है, आगे बात, आपके पास क्या बच गया, डॉग, तो यानी डॉग के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। ठीक, इज का ऑलरेडी हमने लिख दिया है 3, रनिंग के लिए हमने लिख दिया 5, तो बात बाकी 6 बच गया, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। और जब यहाँ पे 6 के लिए गुड हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास गुड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, दोनों में कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म में देख लीजिए काउ है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी मेरा लॉजिक सही है, यानी हम कह सकते हैं कि काउ के लिए क्या बोल देगा, काउ के लिए बोल देगा, आपके पास काउ के ऊपर क्रॉस लगाए हैं और क्रॉस किसके ऊपर लगा है, 7 के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम समझाते हैं, अगर आपसे बोलेगा इज के लिए, तो इज के लिए आप लिख सकते हैं कि 3 होगा, ब्लैक के लिए आपको 2 हो जाएगा, रनिंग के लिए इस क्वेश्चन के अनुरूप आपको 5 हो जाएगा और काउ के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात बाकी 1 के लिए क्या हो जाएगा, टी इट हो जाएगा और रनिंग के लिए क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, यहां से 6 के लिए क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, काउ के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहां पे पेट बच गया, तो पेट के लिए मेरे पास क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा बुरी तरह से ऐसे आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है हर एक एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न देता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है हमने डाइस से उठाया है, डाइस से ये आपको जनरल डाइस का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड ऑन कलर होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है इसलिए हमने उसको उठाया है, बाकी यहाँ पे डिजिट वाला रहता तो आप इजीली कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाल दिया है, पीला दिया है, काला दिया है,
ठीक। अगला जो दिया है सफेद दिया है, काला दिया है और नीला दिया है। और हमसे क्वेश्चन दे दिया गया कि सर काला का अपोजिट सतह पे क्या होगा, काला के अपोजिट वाले फेस पे सरफेस पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले चीज, या तो इसको क्लॉकवाइज में चलाइए या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में चलाइए, बट कंडीशन, अगर इसको क्लॉकवाइज में चलाया आपने तो इसको भी क्लॉकवाइज में चलाना पड़ेगा, अगर इसको एंटी क्लॉक में आपने चलाया तो इसको भी आपको एंटी क्लॉक में चलाइएगा। हम दोनों तरीकों से करके दिखा देते हैं, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां से जो कॉमन है सबसे पहले आप कॉमन को ही लेकर के चलिए। तो हमने ये काला का हमको अपोजिट निकालना है कि अपोजिट वाले फेस पे क्या होगा, यदि टॉप पे काला है तो बॉटम पे क्या होगा। तो हम यहां से उठाते हैं, तो सबसे पहले हमने काला लिया, काला के नेक्स्ट अगेन में क्या लिखेंगे हम, पीला लिखेंगे, पीला के अगले वाले केस पे क्या लिखेंगे हम, लाल लिख देंगे, ठीक। और जो आपने कॉमन लिया था वही कॉमन से स्टार्ट कीजिए, अगर ये सर्कल में चला है यानी क्लॉकवाइज चला है तो इसको भी क्लॉकवाइज आप चलाइए, ठीक। तो यहां पे काला के नीचे जस्ट लिख देंगे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, नीला हो जाएगा। इसका मिस्टेक पॉइंट बताते हैं, बहुत सारे लोग इसको क्लॉकवाइज ले लेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये मिस्टेक पॉइंट है आपका। देखिए यानी आपको क्या मिल गया, पीला का अपोजिट वाले फेस पे सफेद मिल गया, और सफेद के अपोजिट वाले फेस पे क्या मिल गया, पीला मिल गया, लाल का मिल गया नीला, और नीला का मिल गया क्या, मिल गया लाल मिल गया। लेकिन हमने जो क्वेश्चन एराइज किया था या एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन एराइज किया था मेरे भाई, वो काला का अपोजिट, लेकिन आपने तो काला का अपोजिट निकाला नहीं, यानी पीला का उल्टा सफेद, सफेद का उल्टा पीला, तो काला का अपोजिट पीला नहीं हो सकता है और काला का अपोजिट सफेद नहीं हो सकता है। तो काला का अपोजिट सफेद नहीं हो सकता है और ना ही काला का अपोजिट वाले फेस पे पीला हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रेड का ब्लू हो जाएगा और ब्लू का रेड हो जाएगा, यानी जब होंगे तो लाल के नीला होंगे इस क्वेश्चन के अनुरूप और नीला के लाल होंगे इस क्वेश्चन के अनुरूप। तो काला का अपोजिट वाले सतह पे रेड नहीं होगा, यानी यहां पे लाल तो ऑलरेडी है नहीं। बात करते हैं नीला का, तो नीला तो ऑलरेडी लाल का है, तो काला का कभी भी नीला नहीं हो सकता है। तो काला का विपरीत सतह पे क्या बच गया आपको, हरा। तो आप इजिली ऐसे टिक कर सकते हैं। ये तो हो गई बातें जब क्लॉकवाइज के दृष्टिकोण से आप चल रहे हैं, ठीक। अभी हम कर रहे हैं इसको जब आप अपोजिट वाले फेस पे, अच्छा इसको मिटा नहीं रहे ताकि आपको संतुष्टि ज्यादा होगा। यहां से हमने लिया काला को, लिया काला के आगे हमने बढ़ गए, यहां पे क्या लिख दे सकते हैं, लाल। अच्छा आप किसी भी डाई से चल सकते हैं, इस वाले डाई से भी चल सकते हैं, इस वाले डाई से भी चल सकते हैं, उसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। इसमें एंटी क्लॉक चले हैं तो इसमें भी हम क्या चलेंगे, काला लिखेंगे। काला के बाद क्या लिखेंगे, देखिए काला के बाद हमने लाल लिखा था, लाल लिखा है यानी इधर से क्या चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। तो काला के बाद क्या हो जाएगा आपका, नीला हो जाएगा। नीला के आगे में क्या हो जाएगा आपका, सफेद हो जाएगा, ठीक है। बात हम अपने से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो एक बार लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहां से भी लाल का नीला, तो लाल का नीला मिला हुआ था, नीला का लाल मिला हुआ था, पीला का सफेद था तो पीला का सफेद बिल्कुल तरीके से मिला, काला का चाहिए तो काला का उल्टा क्या नहीं हो सकता है, तो ये तीनों नहीं हो सकता है, तो हो गया क्या आपके पास, हरा हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमने लिया डायरेक्शन से उठाया है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पूरी एक तरह से समझा देते हैं, मेन मेन पॉइंट को हमने बोर्ड पर लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी इक्विपमेंट का थोड़ा सा कमी है, उसके लिए आप ये नहींजिएगा, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। अच्छा अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन वाले क्लास को ज्वाइन करना, तो अकोड़ी गोला पे अंश प्लाजा के सामने में मेरा ऑफलाइन ब्रांच चलता है, आप वहां पे आकर के इंक्वायरी ले सकते हैं और नए बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। खैर चलते हैं अगले इस क्वेश्चन पे, ठीक। करेक्ट क्वेश्चन की कोई भी व्यक्ति है जो ईस्ट से स्टार्ट करता है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूरब से स्टार्ट करते हुए एक बार वो सबसे पहले किधर जाता है, तो सबसे पहले वो लेफ्ट साइड जाता है यानी बाएं डायरेक्शन में जाता है। देन उसके बाद क्या जाता है, एक बार दाहिने मुड़ता है और पुनः एक बार अंत में वो किधर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। हम जो बता रहे हैं ऐसा नहीं कि YouTube पे पहली बार बता रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिक बताने का कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको एक एक पॉइंट के लिए कभी गलती नहीं होने देगा। सबसे पहले हम बात कर ले डायरेक्शन का, तो सर ये डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट और इधर होता है क्या आपका वेस्ट होता है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं।
बंदा चलना कहां शुरुआत करता है, ईस्ट, ईस्ट में चलता है, यानी इस बिंदु से अनुरूप अगर ऐसे चलेंगे तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा मेरा, पूरब कहलाएगा। आपने आपको समझा दिया है। अब यहां पे दो केस रखिएगा, देखिए बाएं घूमेगा तो आपको विपरीत दिशा में घुमाना है, किधर घुमाना है, विपरीत दिशा में घुमाना है, और अगर दाहिने घुमाएगा तो दाहिने घुमाएगा, इसका मतलब कि घड़ी की दिशा में घुमाना है, आपको घूमना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, हमने क्या बताया कि अगर आपको लेफ्ट टर्न कराने हैं तो आप घड़ी के विपरीत चलिए, यानी घड़ी अगर ऐसे चलती है तो आपको ऐसे चलना है, और अगर आपको दाहिने दाहिने मुड़ना है तो घड़ी जैसे चलती है वैसे आप चल जाइए। आपको फर्स्ट टाइम में क्या करना है, बाएं जाना है। बाएं मतलब क्या होगा, घड़ी के आप अपोजिट वाले डायरेक्शन में। सर घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन हम कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। कारण क्या है, तो हमने लेफ्ट टर्न कराया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सारे जो लेफ्ट और राइट है ना वो बेस्ट है, 90 डिग्री पर बेस्ट है, ये बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन में दिया नहीं रहे तो आपको 90 डिग्री ही एज्यूम करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करता है, राइट टर्म लेता है, राइट टर्म लेता है यानी घड़ी की दिशा में लेता है, तो घड़ी यहां से अनुरूप ऐसे चलेगी, तो हमने क्या कर लिया, यहां पर ऐसे कर लिया, राइट। उसके आगे पुनः एक बार क्या मुड़ता है, वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, यहां से हम हटा देते हैं कि सॉल्यूशन हम अच्छे ढंग से कर पाए। आगे बात करते हैं, अंत में किधर जाता है, बाएं साइड में जाता है, तो बाएं साइड बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा यानी ऐसे जाएगा, ये हो गया। अब आपको देखिए दो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी वह किस दिशा में जा रहा है और अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, दोनों क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक, अभी वो किस दिशा में जा रहा है, पहले इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जहां समझ में नहीं आए वहां पर प्लस का साइन लगाइए। ऊपर में क्या होता है मेरे भाई, नॉर्थ, नीचे में क्या होता है, साउथ, इधर क्या होता है, ईस्ट, और इधर क्या होता है, देन वेस्ट होता है, यानी उसका अभी फेसिंग साइड क्या है, नॉर्थ, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। बट कंडीशन अगर पूछ देगा कि अपने वर्तमान स्थिति की किस दिशा में है, तो वर्तमान स्थिति कहां पे है, यहां पे है, तो यहां से चुपचाप यहां पर प्लस लगाएंगे, जहां से पूछ देगा वहीं पर हम प्लस लगा देंगे और आगे बढ़ देंगे। देखिए तो क्या इसके जस्ट बीच में आएगा, यानी नॉर्थ और ईस्ट, क्या आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा। यानी अगर क्वेश्चन पोस्ट आपसे बोल देता कि वर्तमान स्थिति के वह किस दिशा में है, तो आंसर क्या आता, नॉर्थ ईस्ट, हिंदी बोलेंगे तो उत्तर और पूरब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिंदी बोलेंगे तो उत्तर और पूरब। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पे आप प्लस का साइन लगा दीजिए। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से हमने क्वेश्चन को इराइज किया, क्योंकि यहां से भी हमेशा एग्जाम में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खासकर बिहार एसएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है। बात करते हैं, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, और डी जो है सी का पुत्र है, तो ए जो है वो डी का कौन है, क्वेश्चन ये है। आपके पास विकल्प दे रखे हैं, दादा, पिता, मामा और चाचा, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन अवश्य कीजिए। आइए फिलहाल बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। बात करते हैं सर हम इसके सॉल्यूशन का, तो क्या हो जाएगा, ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है, यानी बी क्या है, एक जनरेशन ऊपर है, और ए जो है बी का पुत्र है, यानी ए क्या होगा, मेल होगा, तो हमने क्या लगा दिया, साइन प्लस का। लेकिन बी या तो मेल भी हो सकते हैं या तो फीमेल, यानी या तो ये माता भी होंगे फिर भी ये पुत्र कहलाएगा, और ये पिता भी होंगे फिर भी ये पुत्र कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं बात को, लिंक है मेरे पास कि सी ए का भाई है, सी जो है वो किसका भाई है, तो सी जो है वो ए का भाई है, भाई है जहां पे मेल आएगा हमने प्लस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, और डी जो है वो सी का पुत्र है, डी पुत्र है किसका, सी का, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, डी को कर दिया, और यहां पे पुत्र है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि मेल कंडीशन का बात है। अब यहां से देखिएगा, ए डी का कौन है, ए कौन है डी का ना, ए जो है वो डी का कौन है, यानी ए क्या लगेगा, ये पॉइंट आपको बताने हैं। ठीक है बात, यहां पर से वाला केस आता है तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम उसको भी डील कर देंगे, एक पैसा का भी आपको समस्या नहीं होगा। सपोज कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए एज्यूम कीजिए, ये आप हुए, ये आपके पिताजी, और पिताजी के भाई आपको क्या लग जाएंगे, चाचा लग जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंकल निकल के आ जाएगा चाचा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेंशन है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो कैलेंडर से लिया गया है। कैलेंडर से क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक लीप वर्ष है। आपके पास विकल्प जो देख रहे होंगे
वो सारे विकल्प में से मैक्सिमम नंबर जो आप लोग लीप वर्ष के बारे में क्या जानते हैं, तो दिया गया वर्ष में अगर चार से पूरी पूरी डिवाइड लग जाएगा तो वो वर्ष मेरा कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। क्लियर है? अगर चार से डिवाइड हो गया लेकिन कुछ रिमाइंडर बच गया आपके पास तो वो लीप वर्ष नहीं बल्कि एक जनरल ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरल ईयर कहलाता है। लेकिन यहां पे कीजिएगा तो चार तीन ही बारह, बाकी ये भी कट जाएगा, ये भी सारे के सारे तकरीबन कट जाएंगे। ठीक, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन एक बात देखिए, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अनुरूप तो नहीं लेकिन ऑप्शन के अनुरूप चलाना चाहता है, यानी सारे वर्ष में क्या है, यहां पे देख रहे होंगे कि सारे वर्ष में डबल जीरो का प्रयोग किया गया। क्या किया गया है? डबल जीरो का। जब किसी वर्ष के अंत में डबल जीरो लग जाता है वो वर्ष क्या कहलाता है? वो वर्ष जो कहलाता है वो सेंचुरी ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंचुरी ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक, और सेंचुरी ईयर भी मेरे भाई, जो सेंचुरी ईयर होता है, जो सेंचुरी ईयर होता है, जो सेंचुरी ईयर होता है, ये भी दो तरह का होता है। एक जो होता है लीप सेंचुरी ईयर होता है और एक जो होता है जनरल सेंचुरी ईयर होता है। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लीप सेंचुरी और जनरल सेंचुरी ईयर, बस डिफरेंस यही है कि इसमें 400 से डिवाइड करने हैं और इसमें भी डिवाइड करने हैं 400 से। बट कंडीशन की लीप सेंचुरी ईयर में कोई भी रिमाइंडर आपको नहीं बचेगा, लेकिन जनरल सेंचुरी ईयर में रिमाइंडर आपको या तो एक या तो दो या तो तीन, कुछ ना कुछ आपको बच जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि डबल जीरो है तो एक शताब्दी वर्ष का ये वर्ष है, तो क्या 1300 आपको 400 से कट पाएगा? तो बोलिएगा नहीं कट पाएगा, तो यानी ये आंसर तो आपका हो नहीं सकता है। 400 से 1400 कट पाएगा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, 400 से 1500 कटेगा तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन 4 × 16 होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु कौशल सर को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। शाम 7:30 बजे लाइव क्लास और मॉर्निंग में 11 बजे रीजनिंग की और मैथ की क्लास देखना ना भूलेगा। ऑफलाइन में अगर जुड़ना चाहते हैं तो अकोड़ी गोला अंश प्लाजा के सामने दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो दिया गया 7677-68444-7 ये मेरा पर्सनल नंबर होगा, आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे कि रोस्ट को अगर 72 लिखा है, नेस्ट को 39 लिखा है तो सैमसंग को कैसे लिखेगा? देखिए आर कितने पे आता है, तो आर आता है 18 पे। आगे बढ़ते ओ कितने पे आता है, तो ओ आता है आपका 15 पे। आगे बढ़ते एस कितने पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, और देन टी आता है 20 नंबर पे। सबको आपस में ऐड कर लीजिएगा तो 10, 20, 30, 50, 55, 9, 64 और 8, 72 यानी क्या किया गया, सिंपल तरीका से सबको ऐड किया गया में। उसी तरह से इस पे आते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। एन आता है आपके 14 नंबर पे, देन ई आता है 5 नंबर पे, और इसके आगे क्या आता है, टी जो आता है वो कितने पे आता है, 20 नंबर पे आता है। यानी 20 10 30 5 35 और 4 कितना आ गया आपके पास, 39 आ गया। क्लियर है? आइए सैमसंग में एस आता है आपको 19 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एम आता है 13 पे, एस आता है आपको 19 पे, यू आता है 21 पे आता है, एन आता है आपको 14 पे आता है, और जी आता है आपको 7 पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में, हम देखना चाहते हैं कितने लोग देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सब हमने कर दिया, बस ऐड करके आप कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करें कि वीडियो आपको क्यों अच्छी नहीं लगी। रोजाना इसी तरह के मैथ और रीजनिंग की वीडियो शाम में 7:30 बजे जीके जीएस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन वाले ब्रांच से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया 7677-68447 इस नंबर पे इंक्वायरी करके आप ज्वाइन हो सकते हैं ऑफलाइन वाले ब्रांच में। अकॉर्डिंग वाले क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, मॉर्निंग में 7 AM से लेकर के 12 बजे तक क्लास है। ठीक है, कल मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।